because in this pairing of electron takes place. See definition of covalent bond, the chemical bond which is formed by sharing of electrons, है ना, ये सिर्फ तीन वर्ड आपको याद करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। शेयरिंग मतलब क्या हो रहा है कि दो आइटम जो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों भी अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने लिया, यहाँ पर दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और इसीलिए उसको कहा जाता ए केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया एक आइटम से, दूसरे आइटम से एक इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन पेयर से ये बॉन्ड बना, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स है बेसिकली, जो दोनों भी काफ़ी एग्जिस्ट होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, पहला है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो ये एटम्स के ऑर्बिटल्स में होते हैं, है ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते, जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में है जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल एक एटम की और दूसरे एटम की एस या पी ऑर्बिटल, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शेयर नहीं होते, देयर ऑकर्स ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यहाँ फिगर में मैंने बताया हूँ, देयर ऑकर्स ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे ही दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो जहाँ पे उनका ओवरलैपिंग रीजन होता है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ राइट साइड में जो फिगर दी हुई है, तो ऊपर की फिगर में बताया गया है कि दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है और इसी तरह उसकी फिर ओवरलैपिंग इस तरह से दिखाई देंगी। देन सेकेंड नंबर की फिगर अगर आप देखेंगे तो एक एस ऑर्बिटल है लेफ्ट साइड में स्फेरिकल शेप और राइट साइड में पी ऑर्बिटल है जो डंबेल शेप होती है, ये दोनों का ओवरलैप कैसे होता है यहाँ बताया गया है। इसी तरह पी ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करे एक्सियल ओवरलैप तो किस तरह दिखेंगी और नीचे लैटरल ओवरलैप अगर करे साइड वाइज ओवरलैप तो कैसे दिखेंगी, है ना, ये फिगर में बताया गया है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम देयर ऑकर्स ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ही कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स ओरिजिनेट होते हैं, जो कि है पहला सिग्मा बॉन्ड और सेकंड है पाई बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड। सो हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप। देखो यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर के तीनों फिगर आप देखेंगे, एस ऑर्बिटल कंबाइन हुई, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कंबाइन हुई, उसके बाद पी ऑर्बिटल भी एक्सियल, एक एक्सिस अगर उसमें से पास किया जाए दोनों के न्यूक्लियस में से तो वो बराबर अपने को जहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है उसमें से भी पास हो रहा है और दोनों के न्यूक्लियस में से भी पास हो रहा है ना, इसको एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। सो इफ इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स एक्सियली और लीनियरली देन इट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, और समटाइम्स ऑर्बिटल्स डू ओवरलैप लैटरली और साइड वाइज, लाइक यू कैन सी द लोवेस्ट फिगर ऑन द राइट साइड, यहाँ पे देखो साइड वाइज ओवरलैप हुआ है पी ऑर्बिटल्स का, है ना। अगर आप यहाँ पे एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास करेंगे दोनों के न्यूक्लियस में से, दोनों आइटम के न्यूक्लियस में से, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इस पर ओवरलैप नहीं दिखेगा आपको, ओवरलैप साइड वाइज है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर साइड में मिलेगा और नीचे साइड में मिलेगा आपको। ओके, तो इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप, और अगर ऐसा ओवरलैप है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल ओवरलैप। अगर ऐसा लैटरल या साइड वाइज ओवरलैप है तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे।
ओके, जैसे कि आपने CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखे होंगे कि S ऑर्बिटल हाइड्रोजन की कार्बन के P ऑर्बिटल से रिएक्ट करती है। तो ये तमाम S और P ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये लीनियर होता है, एक्सियल होता है। तो ये चारों भी CH4 में मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ओके, इसी तरह ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बताया गया है। देखो H2O मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की P ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की S ऑर्बिटल ये कंबाइन हो रहे हैं। तो S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी हमेशा लीनियर होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो इथिलीन मॉलिक्यूल आपने देखे होंगे काफ़ी बार। इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं, तो ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होते हैं तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल दोनों भी कार्बन के अंदर होती है जो कि एक दूसरे को पैरेलल होती है। और देखो यहाँ पे येलो और ब्लू कलर में ऊपर बताई गई है, ऊपर की फिगर अगर आप देखेंगे इथिलीन मॉलिक्यूल की तो ऑरेंज और ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप कलर है। तो इसमें जो ओवरलैप बताया गया है साइड वाइज ओवरलैप, तो ये जो दो ओवरलैप होते हैं, दो ऑर्बिटल्स होते हैं दो कार्बन के, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और इसीलिए ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है ना। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखेंगे आप, सेंट्रल कार्बन जो है तो इसने दो सिग्मा बॉन्ड बनाया दोनों ऑक्सीजन के साथ, और फिर दो पी ऑर्बिटल जो बचे थे तो उससे लैटरल ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड बनाया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जो सेंट्रल कार्बन है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसने दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनाया है ना। जैसे एसिटिलीन का कार्बन बनाता है ना, एसिटिलीन अल्काइन का जो एग्जांपल है उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, लेट अस गो अहेड। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। नाउ फर्स्ट वी हैव सीन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयोनिक बॉन्ड बना। उसके बाद हमने देखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड दे आर डोनेटेड डायरेक्टली इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ओके, एंड इट फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। सिंपली इसके अंदर जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने याद रखे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने याद रखे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमको क्या याद रखना है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोनेशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अब देखो इसके अंदर आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, या अमोनिया मॉलिक्यूल ले लो, नाइट्रोजन जो अमोनिया का नाइट्रोजन होता है इस पर एक लोन पेयर है ना। देखो यहाँ फिगर में बताया नीचे है ना, एक लोन पेयर है, मींस नाइट्रोजन कंटेन वन पी ऑर्बिटल फिल्ड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ नॉन बॉन्डेड, है ना। वो पी ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है। एट द सेम टाइम H प्लस आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अब उसने वो भी डोनेट कर दिया, H प्लस बन गया। तो अब हाइड्रोजन की S ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। नॉर्मली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और 1s1 में का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने डोनेट कर दिया और H प्लस बना दिया। अब वो 1s0 हो गया, मतलब H प्लस के पास एक एम्प्टी S ऑर्बिटल है। ओके, सो नाइट्रोजन के पास एक फील्ड पी ऑर्बिटल है जो नॉन बॉन्डिंग है ना, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो क्या करता है, अमोनिया का प्रोटोनेशन कैसे होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है मीन्स फील्ड पी ऑर्बिटल है, वो लोन पेयर हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है एंड दस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह बताया जाता है एरो से,
देखो यहाँ पे राइट साइड में नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होने के बाद N डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन H प्लस, सो इट इज डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो. द हेड ऑफ द एरो इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टेल ऑफ दिस एरो इंडिकेट्स फ्रॉम वेयर दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग. नाइट्रोजन डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, सो टेल ऑफ द एरो इज एट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हेड ऑफ द एरो इज एट हाइड्रोजन. ओके, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. वाटर मॉलिक्यूल का भी प्रोटोनेशन ऐसे ही होता है ना. नाउ लेट अस सी सिंपल केमिकल कंपाउंड्स वी सी इन अवर डेली लाइफ. नाउ आफ्टर नोइंग दीज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यू कैन इमेजिन दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स विच वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक एक पाई बॉन्ड बनाता है ना. सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है. ये सेकंड मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन आप लोग डेली यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, है ना. कहाँ पे होता है ये, एलपीजी गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये. एलपीजी गैस सिलेंडर जो आप घर में यूज़ करते हैं, जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एन ब्यूटेन, C4H10. उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया हो. इसके अंदर चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है और सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है. कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, है ना. सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है. इसी तरह आप कॉस्टिक सोडा आपने सुने होंगे काफ़ी बार, कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हो घर में, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला है NaOH. तो ये NaOH जो होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है, Na प्लस OH माइनस, मीन्स इसमें आयोनिक बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड, Na प्लस OH माइनस, है ना. Na प्लस कैटायन है, OH माइनस एनायन है और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए आयोनिक बॉन्ड, है ना. तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसके एग्जांपल्स हमने देखे. और देखो पहला स्ट्रक्चर लेफ्ट में देखेंगे CH4, मीथेन. कहाँ पे होता है मीथेन, बायोगैस में होता है, गोबर गैस में होता है ना. बायो मटेरियल से जो गैस जनरेट की जा रही है और यूज़ की जा रही है आज के ज़माने में, तो वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है. कैसे बनता है मीथेन, एक कार्बन चार हाइड्रोजन से, और सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है. सिग्मा बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इसके अंदर, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट में कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैप है. उसके नीचे मीथेन मॉलिक्यूल के नीचे एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये आइसो ऑक्टेन है. पेट्रोल जो हम गाड़ी में डालते हैं, यूज़ करते हैं, गैसोलीन एरोप्लेन्स में यूज़ हो रहा है, तो इसका मेन कंटेंट है आइसो ऑक्टेन. उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया मैंने, इसमें भी सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं. उसके बाद ये ब्यूटेन हमने देखे थे. सुक्रोज मॉलिक्यूल, है ना, शक्कर खाते हैं हम घर पे, क्या होता है शक्कर, इसका केमिकल नेम है सुक्रोज, है ना. और इट इज़ मेड अप ऑफ टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ओके, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना सुक्रोज होता है. और उसका ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो फ्यूरानोज और पायरानोज, है ना, सिक्स मेंबर रिंग फ्यूरानोज पायरानोज कहते हैं और फाइव मेंबर को फ्यूरानोज कहते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है. इसमें भी अगर आप देखेंगे सभी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके बीच में आप देखेंगे अगर बॉन्डिंग स्टडी करेंगे तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने और सिग्मा बॉन्ड से सभी ये. ओके, देन लास्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ मेटेलिक बॉन्ड एंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड जो होता है तो ये स्पेशल मेटल्स के अंदर होता है. एक्चुअली मेटल्स इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करते तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी नहीं करते कि एक Fe प्लस Fe माइनस बन गया, Ag प्लस Ag माइनस बन गया, तो वो आयोनिक बॉन्ड भी नहीं है. इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि एक मेटल का एटम दो इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है, ऐसा भी नहीं होता उनके अंदर, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं है. तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, इसलिए उसको स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कहा जाता है. एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन मेटल्स एंड
there are many theories to explain metallic bond. One theory I am giving you here, and that is most accepted concept about metallic bond. Metal atoms forms a cations. Metal atoms forms a cations. How they forms cations? They exist as a cation and donate means loses their outer shell, outermost electrons. They form a cation by losing their outermost electron, which remains in close vicinity of those metals. जैसे समझ लो, एक सिल्वर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हो कि एक चांदी है, सिल्वर मेटल है, तो इसके अंदर Ag ऐसे एटम्स हैं. तो ये ऐसे नहीं होते, Ag एटम्स नहीं होते, बल्कि ये ऐसे एग्जिस्ट होते हैं, Ag+, 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 और हर एक Ag+ एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देता है, वो इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर एग्जिस्ट होते हैं. बराबर, मीन्स यू कैन इमेजिन द मेटलिक बॉन्ड इन लाइक दिस. देर इज ए लेयर ऑफ मेटल कैटायंस एंड देर इज लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, है ना. मेटल कैटायंस होते हैं M+, M+, M+ एंड देन इलेक्ट्रॉन, है ना. इस तरह से कंटिन्यूस लेयर में वो एग्जिस्ट होते हैं. और अब देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इमेजिन करोगे कि M+, M+, M+ सब कैटायन है, इलेक्ट्रॉन सब एनायन है, निगेटिवली चार्ज है. अब इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन क्रिएट होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, और इस तरह से वो मजबूत हो जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, है ना. अगर सिंपल अगर आप एटम कंसिडर करेंगे, न्यूट्रल Fe, 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 तो उनके बीच तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं बच रहा है ना, उल्टा उनके बीच में रिपल्शन आएगा. इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो तो फिर मजबूत बन ही नहीं पाएगा कोई मेटल, कोई चांदी, सोना या एल्यूमिनियम या आयरन का कोई सब्सटेंस बन नहीं पाएगा. लेकिन मेटल आपने देखे बहुत मजबूत होते हैं, तो ये कौन सा फोर्स है जो मेटल को इतना मजबूत बनाता है. सो दैट फोर्स कैन बी इमेजिन्ड इन दिस वे, मेटल्स एग्जिस्ट एज अ सीरीज ऑफ कैटायंस एंड ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दोस कैटायंस, है ना, जो यहाँ पे बताए गए. एंड दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड्स. ओके, इसी को एक वर्ड में ऐसे भी कहा जाता कि मेटल्स हैव ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेसेस. के मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कैटायन बना देते हैं. तो अब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर. और इसीलिए मेटल जो होते हैं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये करते कैरी करते, वो इलेक्ट्रॉन से, है ना. मेटल के सरफेस जो होते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है उनके सरफेसेस में, और वही इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और इसीलिए उसमें से करंट भी बहुत जल्दी से पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट. और अगर हीट भी हमको कैरी करना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो वो भी कैरी ऑन होती है ना. सो दिस इज़ द रीज़न मेटल्स आर मेड अप ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो मेटलिक बॉन्ड भी आपको समझ गया होगा. सो नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल JTR साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज. Now it's time to say a goodbye. I will post a new lecture very shortly. Okay, thank you very much.